मेरे पति ने मेरे बेडरूम और मेरी प्राइवेसी को भंग करा है। उन्होंने पूरे घर में सीसीटीवी लगवा दिए जिससे मेरी प्राइवेसी भंग हो रही है। आम तौर पे लोग सीसीटीवी कैमरा इसे लगवाते हैं कि उनके घर कोनो चोरी ना हो जाए या कोनो आपराधिक घटना ना हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में एक महिला को आरोप है कि उनके पति ने उनको प्रताड़ना देवे के लाने घर तो छोड़ो बेडरूम में भी कैमरा लगवा दो है सीसीटीवी। और पत्नी को आरोप है कि पति को उनके संगे विवाद चल रहा, पति को एक दूसरी महिला के संगे अफेयर है और यही के चलते वो उनको तलाक देवे के लाने प्रताड़ित कर रहा है। उनको ब्याह सीताराम कॉलोनी में रहने वाले अरविंद शर्मा के संग बहुत हो। अरविंद शर्मा पेशे से शिक्षक हैं, छतरपुर के मुकरवा में पदस्थ हैं और इनको आरोप है कि शिक्षक को एक महिला शिक्षिका के संग में संबंध है और यही वजह से वे उनको और उनके दो बच्चों को अपने संग नहीं रख पहुँचाऊ। पति ने पत्नी से अलग होने के लाने अदालत में तलाक की अर्जी लगा दी और ये कानूनी कार्रवाई के अलावा वो इनको घर से निकालने के लाने अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर। पिछले दिनों पति ने इन पे 24 घंटा नजर रखने के लाने घर में सीसीटीवी लगवा दे और तो और ये सीसीटीवी इनके बेडरूम में भी लगवा दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। कहाँ से आप, कहाँ निवास करते हैं? मैं छतरपुर सीताराम कॉलोनी से हूँ। क्या मामला है, किस मामले की शिकायत करने आप आए हैं? मेरे पति ने मेरे बेडरूम और मेरी प्राइवेसी को भंग करा है। उन्होंने पूरे घर में सीसीटीवी लगवा दिए जिससे मेरी प्राइवेसी भंग हो रही है और उन्होंने मेरे पे केस भी दर्ज किया है डिवोर्स का। अब ये बताइए उनका, क्योंकि उन्होंने केस इसलिए डिवोर्स को फाइल किया क्योंकि उनका अवैध संबंध है उनके स्कूल में पढ़ाने वाली प्रीति पटेरिया के साथ और उनका अन्य महिलाओं के साथ भी अवैध संबंध है। वो शिक्षक है मुकरवा में, मेरे दो बच्चे हैं और मैं इन दो बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, मेरे तो आगे पीछे कोई है भी नहीं है। इसलिए मुझे एक साल से ज़्यादा हो गया है, एक साल बाद जाके उन्होंने मुझे, अब जाके मैंने एक्शन लिया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे को सही न्याय मिले। आपने न्यायालय में आवेदन दिया है क्या? जी सर, मैंने अभी न्यायालय में आवेदन दिया है सीसीटीवी के लिए और एक साल से ये डिवोर्स केस फाइल कर रखा था। वो कोर्ट में भी नहीं जाते हैं, अब तक एक साल में 12 महीनों में दो पेशियों में ही गए हैं। अब जब उन्होंने सीसीटीवी का लगवा दिए थे मेरी प्राइवेसी भंग करने के लिए, वो कैमरे से मुझे वॉच करते हैं पूरी तरह, मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ पूरी तरह उन्होंने मेरी जिंदगी को कैप्चर करके रखा है। क्या कैमरे ऐसे लगवा रखे हैं कि जैसे वो सीधा मेरे बेडरूम में जाते हैं, बेडरूम की और एक पोर्च में लगवा, मतलब एक बरामदे में लगवा रखा है, वो भी मेरे कैमरा बिल्कुल मेरे कमरे में जाता है जैसे मैं, और फिर एक बाथरूम से हम, मैं नहाते धोती या कोई भी काम करती हूँ बाथरूम से, वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं तो बाहर आते हैं तो भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बेटे हैं। कितने सालों के साथ? मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, रखना नहीं चाहते आपको? वो कहते हैं कि निकल जाओ उस घर से बच्चों को लेके, मैं अपने दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, ना मेरा कोई आय का साधन है ना मेरे रहने का, मैं तो काफी दूर से। विभागीय शिकायत की क्या आपने? जी मैंने विभागीय शिकायत भी करी है लेकिन अभी तक कोई उनका कार्रवाई नहीं। अब आज आप कहाँ आए हैं? आज मैं ना यहाँ पे एसपी थाना क्षेत्र में आई हूँ और जिससे मैंने उनके अपने खिलाफ कार्रवाई की है, मैं चाहती हूँ उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। महिला को आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोनो कार्रवाई नहीं भई। आखिरकार महिला एसपी ऑफिस पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। उतई ई पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को कहवो है कि मामला संज्ञान में आओ है और अगर विभागीय कर्मचारी की पत्नी ने इस तरीके की शिकायत करी है तो जांच करके वैधानिक कार्रवाई करीजिए है। पहला है, उसने आपके विभाग के एक शिक्षक के ऊपर आरोप लगाए हैं अपने पति के ऊपर कि उसका पति उसको डाइवोर्स देना चाहता है, किसी दूसरे उसके संबंध है और घर में सीसीटीवी कैमरे लगा चुके, उसने कहना है कि हमने विभाग में भी शिकायत की, क्या कहना चाहते हैं? किस विद्यालय की बात है ये, कौन सा बताया? मकरवा में। अच्छा, मकरवा में टीचर कौन है? अरविंद करके है कोई। अच्छा, अरविंद करके, चलिए मैं देखता हूँ। आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, अगर विभाग में जानकारी आई है, शिकायत आई है तो मैं विधि सम्मत कार्रवाई करूँगा। पति पत्नी के रिश्ते में विवाद या तलाक जैसी नौबत आबो कोनो बहुत नई बात नहीं है, लेकिन कोनो भी महिला के बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाबो बेहद आपत्तिजनक है और अगर ये आरोप सही हैं तो फिर अब देखने जो है के कार्रवाई का हो। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।